चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? डाइस का पढ़ा था, राइट। डाइस में कुछ डाउट्स है शेड वाले, जिसमें मेरे को मैम ने भेजा है कुछ क्वेश्चंस, उसको ले लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हेलो सर, डाइस पूरा हो गया है कल शेडेड का? हाँ, शेडेड वाले बाकी है ना, दो चार क्वेश्चन। हाँ बोलिए ना सर, डाइस पूरा सिखा के हो गया क्या? नहीं नहीं, पूरा सीखा के नहीं हुआ, शेड वाले बाकी एक्चुअल हो चुका है, लेकिन शेड वाले क्वेश्चंस के बाकी है। तो कल से शेडेड का कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ जो एकदम फटाक से समझ में आए। वो मैंने निकाला है कुछ तरीके, जिसको सिर्फ ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं हम लोग सर, अपोजिट चेक करके वो करते हैं। सर मेरे को समझेगा आज का लेक्चर शेडेड का? नहीं, लग डाइस वाले क्वेश्चन में थे ना, डाइस वाले क्वेश्चन में थे पर कल के इसमें नहीं था। कल के इवनिंग में नहीं थे क्या? समझेगा 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 सर, चलेगा सर। चलो हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्ट। ये है क्वेश्चन, ये है ऑप्शन नंबर वन। ये है बी नंबर ऑप्शन। ये है सी नंबर ऑप्शन। ए वाला सर? नहीं, मैंने ऑप्शन दिया नहीं, ऑप्शन नंबर दिया नहीं मैंने, ऑप्शन दूंगा। हाँ अरे पूजा क्या हो सर? नहीं है हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, एक मिनट रुको जरा। ऑप्शन नंबर वन। हेलो हाँ बोलो। हाँ सर, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था कब से। नहीं नहीं, आवाज मैंने म्यूट किया था, ए एंड सी ओनली। ऑप्शन नंबर टू ए सी एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर थ्री, सॉरी ऑप्शन नंबर थ्री ले लो, ए कहाँ गया, ए एंड सी ओनली, ए सी डी ओनली। देखने का प्रॉब्लम होता है मोबाइल में, देखने में प्रॉब्लम होता है मुझे। ए ओनली, ए सी ओनली, ए सी डी ओनली, और डी ऑप्शन है ए बी सी एंड डी ओनली।
इसको बताओ सॉल्व करो आप लोग. थ्री ऑप्शन नंबर थ्री ए ओनली. यस चेक करो सॉल्व करो आप लोग जरा देखो अपोजिट अपोजिट लेके सॉल्व करो. सर मेरे को नहीं समझ रहा है कुछ. बताऊंगा हाँ किसके भरोसे भगवान भरोसे. हाँ ये ओनली कैसे आया ऑब्जर्वेशन से या ऑब्जर्वेशन से. वो सॉल्व किया वो ऑपोजिट ऑपोजिट लेके और एक ऑपोजिट आया वो एक ही लाइन में. देखो यहाँ पे सिंपल डीबी हो सकता है क्या. नील आप हो क्या. सर मैं ओमकार. ओमकार ठीक है देखते हैं यहाँ पे. देखो सॉल्व करने का तरीका पहले समझ लो. इसका ऑपोजिट ये होगा बरोबर. ये डॉट का अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा. तो सर दो ब्लैंक हो गए ना सर. नाइस दो ब्लैंक. हाँ दो ब्लैंक हो गए ना. हाँ दो ब्लैंक होगा. एक्चुअली इसका अपोजिट ये होगा इसका अपोजिट ये होगा और डॉट का अपोजिट ये होगा. पहले देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है. पहले यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर वन में ये दिया है प्लस का साइन. इसका अपोजिट कौन सा है ब्लैंक है तो इसके अपोजिट वाला ब्लैंक आएगा. कंडीशन सेटिस्फाई करता है. इसका अपोजिट कौन है. इसका अपोजिट ये शेड वाला है. अगर इसके नीचे शेड रहेगा समझ रहे कि नहीं मुझे बताओ. नहीं सर ओनली आएगा. तो इसका अपोजिट ये ब्लैंक के आगे वाला भी ब्लैंक ही आएगा. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वन वाला. तो ए ए ऑप्शन किसे बताओ ना. यहाँ पे देखो ये एरो प्रॉपर दिख रहा है ना. एरो प्रॉपर दिख रहा है क्या. हाँ सर. इसका अपोजिट क्या है. देखो यहाँ पे ये ब्लैंक का अपोजिट एक छोड़ के ये ब्लैंक होता है. नील आप लास्ट लेक्चर नहीं थे ना. नहीं सर. अच्छा देखो जब भी ओपन डाइस होता है तो एक छोड़ के उसका अपोजिट होता है. मतलब अगर मैं इसका अपोजिट बोलू तो एक छोड़ के ये इसका अपोजिट होगा. अगर ये डॉट की बात करूँ तो ये छोड़ के इसका ये अपोजिट होगा. ठीक है इसका अपोजिट ये हो जाएगा. तो अगर हम लोग डाइस को चेक करते हैं. अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे ये दिया है ना साइन प्लस वाला. हाँ सर. तो प्लस के अपोजिट कौन है ब्लैंक वाला. तो ये प्लस के अपोजिट वाला यहाँ पे जो आएगा वो ब्लैंक वाला आएगा. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सर सेटिस्फाई तो हो रहा है पर सर एक प्रॉब्लम है. ऊपर डॉट पे से डॉट का अलग आएगा ना. डॉट वाले का जो अपोजिट है वो अलग है ना. डॉट वाले का अपोजिट शेड है ना सर. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. प्लस यहाँ पे प्लस देखो. हाँ सर समझा सर. हाँ डॉट के नीचे अपोजिट कौन है शेड वाला. तो डॉट के नीचे जो वाला आएगा वो शेड वाला रहेगा. हाँ सर ठीक है. ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक है. तो इस ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक होगा. तो मतलब ये वाला ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है. ऑप्शन में देखो ए कहाँ कहाँ पे. ए यहाँ पे भी है. ए यहाँ पे भी. ए ओनली भी दिया है और ए दिया. तो ए ओनली का भी ऑप्शन है. तो आई थिंक हो सकता है बी को चेक करो. बी को चेक करो. देखो ये सभी डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि दोनों साथ में है. वही बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ. डॉट का अपोजिट शेड दिया है. तो डॉट का अपोजिट शेड यहाँ पे आना चाहिए था बट शेड बाजू में दिया है. तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा. कट होगा कि नहीं. अभी ऑप्शन में जाओ. ऑप्शन में जाओ. ये बी वाला ऑटोमेटिकली कट हो गया क्योंकि बी यहाँ पे दिया है. बाकी किसी ऑप्शन में बी दिया है क्या. नहीं दिया. चलो आगे बढ़ते हैं. सी वाला देख लेते हैं. इस ब्लैंक का अपोजिट इधर भी ब्लैंक आना चाहिए था. तो ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक हो गया. दो ब्लैंक. फोटो निकालना है. ये ब्लैंक का अपोजिट ये शेड आना चाहिए. सपोज करो ये ब्लैंक लिया. इसके नीचे शेड ये वाला आना चाहिए था प्लस. ये ब्लैंक का अपोजिट ये आया. ये ब्लैंक का अपोजिट ये आया. ये एक्स्ट्रा ब्लैंक कहां से आ गया. आएगा क्या स्टूडेंट्स बताओ. समझ में आ रहा है कि नहीं. नहीं सर नहीं आएगा.
नहीं आएगा, तो सी वाले कितने, सी वाले कितने एलिमिनेट कर दो। ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक मतलब जो ब्लैंक था उसका अपोजिट ऊपर वाला आएगा बराबर, इसका अपोजिट ये आएगा। सपोज करो ये ब्लैंक ले लो पहला, इसके नीचे वाला ब्लैंक आना चाहिए था, ठीक है सर। ठीक है, तो ब्लैंक सपोज करो ब्लैंक दिया है, ठीक है। अब ये वाला ब्लैंक पकड़ो, ये वाला, अब ये ब्लैंक का अपोजिट ये होना चाहिए था प्लस, मान लो प्लस पीछे गया, ठीक है ना। अब डॉट है ना, यहाँ पे ब्लैंक तो है नहीं, डॉट है ना, तो यहाँ पे डॉट है क्या, ब्लैंक चार ब्लैंक कैसे हो सकता है, ब्लैंक कितना है, नहीं नहीं तीन ही है। तो सी एलिमिनेट हुआ कि नहीं हमारा, हुआ ना सर। तो डी को चेक करने की गरज नहीं है, पहले देखो सी एलिमिनेट हो गया तो पहला वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सी एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पे बी पहले ही एलिमिनेट हो गया था, तो ये होगा नहीं, ओनली ऑप्शन वन राइट होगा। सर डी देखो ना, डी भी सेटिस्फाई हो रहा है सर। एक बार चेक करूं ना सर, डी चेक करते हैं। शेड देखो, शेड डी का शेड देखो, शेड कौन सा है, ऐसा है ठीक है। ये शेड यहाँ पे दिया है, इसका अपोजिट जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था डॉट, इधर ले लो डॉट। इसका अपोजिट प्लस, प्लस के नीचे आना चाहिए था ब्लैंक, ये आ गया ब्लैंक, इसका ब्लैंक का ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक। तो ए और डी का ऑप्शन है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो डी का ऑप्शन किधर है फिर, डी को दिया ही नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करो ना, ऑप्शन में दिया ही नहीं है ए और डी। बोलो, अगर ये डी सेटिस्फाई करा तो ए और डी आएगा, तो ओनली डी ए दिया ना, ऑप्शन में जो रहेगा उस पर टिक करना है ना। समझ रहा है कि नहीं बताओ सर, मेरे को समझा पर मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। नील वो लास्ट लेक्चर आप नहीं थे ना एक्सपांडेड में, इसके लिए आपको ये नहीं समझ रहा। तो सर आगे समझेगा ना, आगे आगे एग्जांपल आप, हां आगे सब आगे आगे समझेंगे। सर सब लाइन लाइन दिख रहा है, दिख रहा है प्रॉपर, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। हां तो ये समझे, ऑप्शन में देखो, अगर ऑप्शन में देखो ये डी कैसे मैंने प्रॉपर बनाया है, एक मिनट रुको जरा। अरे हाँ, मैंने डी का गलत कर दिया, डी को ऑप्शन में ये दिया है, डॉट दिया है, डी के ऑप्शन में डॉट दिए। अब बताओ राइट होगा कि रॉन्ग होगा। सर रॉन्ग होगा क्योंकि आप क्या बोले सर, क्या बोले सर, डी का मैंने डॉट यहाँ पे मिस कर दिया था, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने बुक में देखा यहाँ पे डॉट भी दिया है, तो अभी बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही आएगा क्योंकि ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोले थे, एक अगर 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 मैं इसको निकाल देता हूं, इसको मैं निकाल देता हूं तो डी भी सेटिस्फाई हो रहा था ना। हां सर, ऑप्शन में ए एंड डी रहता तो फिर दोनों बराबर। एग्जैक्टली, बट ऑप्शन में ओनली ए दिया है ना और डी नहीं दिया, डी भी सेटिस्फाई हो रहा है तो ओनली ए पे टिक करो, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से जाओ आप, समझ रहे हो। यस यस, चलो क्लियर है। हां सर, बट सर उधर आपने डॉट नहीं डाल लेते ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ। हाँ मैं डॉट डालना भूल गया, वो लिखने में देखो ये ना मोबाइल में मेरे को दिखता कम है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा। तो फिर आंसर ये ओनली आएगा सर, ओनली ओनली वन। हेलो, हाँ बोलो ना सर। हाँ सर सुनो ना, पढ़ने लिखते वक्त भी मैं एक लाइन मिस कर देता था सर। हाँ बोलो ना, आपने जो डी कंडीशन मतलब अभी करी ना, वो सेटिस्फाई मतलब नहीं होएगा, अगर अगर आपने क्या बोला था वो शेडेड पोर्शन का अपोजिट डॉट वाला आएगा। हाँ तो ये शेड और डॉट बाजू बाजू में नहीं बैठेगा ना, बाजू बाजू में नहीं बैठेगा, एक छोड़ के एक आएगा, मतलब वो ऊपर जाएगा ना सर, ऊपर जाएगा ना, वही बोल रहे। और ब्लैंक पोर्शन उसके बाजू में आएगा शेडेड के, तो वो उल्टा दिया है इसलिए वो रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लेते सॉल्व करें, रफ कर दूं। हाँ सर रफ कर दो सर, सॉल्व करें। मैं ना बुक से सॉल्व करता हूँ, मेरे पास बुक भी है। ऑप्शन नंबर वन,
ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी नीचे बोर्ड दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन दे रहा हूं ऑप्शन नंबर वन ए एंड बी ओनली ऑप्शन नंबर टू बी एंड सी ओनली ऑप्शन नंबर थ्री बी एंड डी ओनली ऑप्शन नंबर डी ए बी सी एंड डी ओनली ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी सारे फॉलो हो रहे यस अच्छा चेक करो क्या गलत है उसका अपोजिट देखो इसका अपोजिट ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक ब्लैंक दिया है वो ब्लैंक हो गया क्या क्या गलत नहीं है गलत कैसे हो हाँ सब सेटिस्फाई हो रहा है क्या हो रहा सी एन डी कहाँ से आ गया ऑप्शन नहीं नहीं सी एन डी ऑप्शन में एस एस सी में चार ही ऑप्शन आते सी एन डी आता है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी सर ए सेटिस्फाई हो रहा है क्या ए सेटिस्फाई देखते हैं मुझे देखो मुझे भी चेक करना पड़ेगा पहले मैं पहले ऑप्शन चेक करूं मैंने प्रॉपर लिखा है या नहीं यस डी हेलो हां ऑल सेटिस्फाइड हो रहा है ऑल सेटिस्फाई हो रहा है ना ओके मैं जरा ऑप्शन चेक कर रहा हूं मेरे एंड से मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया लास्ट चेक करके हां बोलो ना सर चलो सॉल्व करें देखो इसका अपोजिट ये हो गया ये डॉट का अपोजिट ये ब्लैंक हो गया और इसका अपोजिट ये शेड हो गया ठीक है चलो देखते हैं ये ऊपर वाला शेड ये नीचे वाला शेड भी तो यही आएगा ना क्योंकि इसका अपोजिट ये है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है हाँ सर ये ब्लैंक है यहाँ पे दिया है ब्लैंक फिर से बताओ ना ए वाला देखो फिर से बताओ ना ए वाला ना यहाँ पे देखो ऊपर कौन सा शेड दिया है ये शेड दिया है ये शेड का अपोजिट ये शेड है ना है कि नहीं नील हाँ सर तो जो ये शेड है उसका अपोजिट ये वाली शेड है बाजू वाली एग्जैक्टली तो ये शेड नीचे आ जाएगा तो नीचे आ रहा है वो दिख रहा नहीं है मतलब आ रहा है ठीक है ना ठीक है अभी ये वाले को ब्लैंक को चेक करो ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक तो मतलब इसके सामने वाला भी ब्लैंक होगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है डॉट का अपोजिट ब्लैंक दिया इसका अपोजिट भी डॉट होगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ए सेटिस्फाई हो रहा है तो ए वाला देखो ए वाले ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो बी और सी वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन भी देखो बी और डी दिया है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हुए कि नहीं हाँ सर हुए ना तो आप लोग क्या करो ऑप्शन पहले चेक करो ए और बी ओनली दिया है यहाँ पे ए बी सी एंड डी दिया है दिख रहा है क्या सबको ऑप्शन टाइम बचाना ना एग्जाम में हाँ तो डायरेक्ट सी को चेक करो डायरेक्ट सी को चेक करो बी को चेक मत करो क्योंकि बी बी यहाँ पे भी दिया है तो बी को भी चेक करने में टाइम मत गलाओ डायरेक्ट सी को चेक करो सी कहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है चेक करो इसको दोनों सेम ही है ना सिर्फ घुमा दिया डाइस को हाँ सर तो दोनों जब सेम है ये सेटिस्फाई होगा तो ये भी सेटिस्फाई होगा तो ऑप्शन नंबर डी पे मारो सीधा साइन अगर सी कहाँ पे देखो ना डायरेक्ट सी दिया है डायरेक्ट टाइम बचा कि नहीं बी को चेक करेंगे टाइम बचा कि नहीं हमारे पास हाँ सर समझा कि नहीं समझा बाकी लोग को मुझे बताओ सर
मेरे को ना सी वाले एक बार ऐसे वो डायग्राम पे समझोगे आप? समझाता हूँ, ये देखो ये शेड दिया है, इस शेड को घुमा दिया है, जब इस शेड को घुमा देंगे तो डाइस ऐसा बनेगा ना, इस शेड को घुमाए सर, वो घुमाए चाहे कुछ भी करे इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे पता है ये शेड का अपोजिट ये आएगा, तो ये शेड का अपोजिट नीचे ही आएगा, बरोबर? ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक, तो ये ब्लैंक के सामने ब्लैंक वाला इधर आएगा, बरोबर? डॉट के अपोजिट ये ब्लैंक है, ये डॉट के अपोजिट ये ब्लैंक आ गया, तो ये भी कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है, तो सेम ही है ना सर। देखो जरा, तो जब ए सेटिस्फाई हो रहा है, सी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए और सी का ऑप्शन देखो कहाँ पे, उसको टिक मारो, क्योंकि ए और बी यहाँ पे दिया ओनली में, ए और बी तो यहाँ पे भी दिया है ना सर। डॉट का अपोजिट ब्लैंक किधर है सर? सर ये देखो ना, वो ने आप डायग्राम में सर, सी डायग्राम। हाँ हाँ, यहाँ पे यहाँ पे ब्लैंक है सर, ये है ना, इसके सामने इधर आएगा। आप लास्ट लेक्चर नहीं थे ना नील, तभी आप नहीं सर, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। तो ये ब्लैंक का, ये डॉट का अपोजिट ब्लैंक सामने होता है ना डाइट? हाँ हाँ सर, ठीक है, क्लियर है सबको? सर ए वाला है ना सर, ए वाला जरा समझाओ ना, ये शेड के हिसाब से समझ नहीं आ रहा है। देखो आपको ना शेड से मतलब नहीं रखना है, आपको अपोजिट से मतलब रखना है। ओके सर, हाँ तो ठीक है, हाँ शेड से मतलब नहीं रखना, अपोजिट से मतलब। वो जब भी ये आता है ना, ये वाला कुछ साइन रहता है उसमें शेड से मतलब लेता हूँ क्वेश्चन। तो ये क्लियर है सबको? हाँ सर। और ऑप्शन के थ्रू जाओ, सबको चेक करते मत बैठो, ठीक है? और ये ऑप्शन के थ्रू मतलब समझाना आपको कैसे, अगर ए सेटिस्फाई हो रहा था तो बी और मतलब ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर थ्री ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहे हैं कि नहीं बताओ? अगर ए सेटिस्फाई हो रहा सर, तो बी और सी दिया था ओनली, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होंगे कि नहीं होंगे, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो यहाँ पे भी ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी है, तो बी को क्यों चेक करना, सी चेक करो ना। अगर सी रॉन्ग हो गया तो समझ जाओ ए और बी राइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर बी को भी चेक करोगे, बी को भी चेक करोगे, फिर सी को अलग से चेक करोगे, 5-10 सेकंड और चला जाएगा, डायरेक्टली ऑप्शन टू पे जाओ। ऑप्शन डी ए बी सी एंड डी डी। हां रफ कर दो, रफ कर दो क्या? अच्छा यस यस, सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? चलो रफ कर दो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डाइस बनाता हूं, डाइस नंबर ए। हाँ क्या डाइस ज्यादा है? वो हाफ ऑफ है, इसका अपोजिट ये होगा और ये हाफ ऑफ एक हो जाएगा, ये हाफ है, ये इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये पूरा का हाफ ऑफ, मतलब आधा पे माइनस आएगा, आधा पे प्लस थोड़ा हुआ। चलो ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना। ऑप्शन नंबर ए, ए ओनली, ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर सी ए सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर फोर ए बी एंड सी डी, बताओ। सर इसमें अपोजिट कैसे निकालते, नहीं समझ डायग्राम ही समझ में नहीं आ रहा।
डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है? नहीं वो छोड़ो सर, ओनली सर, ए ओनली सर, मैं ट्राई करूं क्या सर? हां हां नील, ट्राई करो ट्राई करो। देखो यहां पे डायग्राम में बता देता हूं, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये हाफ ऑफ पार्ट है, समझ रहे हो क्या? पेपर बताओ ना, कुछ पेपर दो ना, आप लोग ये समझो पार्ट को पहले। ये जो पार्ट है ना, हाफ ऑफ पार्ट है, जो एक बन रहा है, हाफ ऑफ पार्ट। तो फिर आंसर ए ओनली है, चेक करना पड़ेगा। ए और बी का ऑप्शन है क्या? नहीं है, ए ओनली फर्स्ट वाला, ए ओनली, चेक करना पड़ेगा। हाफ ऑफ आना चाहिए ना, फिर हाफ ऑफ है तो फिगर में चेक करना पड़ेगा। सर ऑप्शन ए ही आ रहा है, देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ये ब्लैंक था ना, डॉट कहां से आ गया? ये देखो पहले इसको समझो, डाइस को है क्या है, यही है ना वहां पे पीछे का फिगर, फिगर यही है ना, देखो जरा। हाँ। ये फिगर है। हाँ। बात को समझो, इसका अपोजिट ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले देखो, पहले ये समझो, इसका अपोजिट वो ये बन रहा है ना, बीच वाले ब्लैंक का अपोजिट बीच वाला ब्लैंक बनेगा, बराबर ना? हाँ देखो यहाँ पे इसका अपोजिट ये बन रहा है, क्या बन रहा है? इसका अपोजिट ये बन रहा है, बन रहा है ना? साइड बनेगा। हाँ। ब्लैंक बन रहा है। इसका अपोजिट ये बन रहा है, ये बॉक्स। हाँ सर। ठीक है, अगर मैं बेंड करता हूँ यहाँ पे देखो, इसको मैंने बेंड किया और इसको मैंने बेंड किया, सर समझा? ए ओनली है। हाँ, ये ब्लैंक का अपोजिट, ये ब्लैंक बना कि नहीं बना बताओ? ये ब्लैंक का अपोजिट, ये ब्लैंक बना, ये ब्लैंक का अपोजिट, ये ब्लैंक बना, इसका अपोजिट ये बना। आप बोलोगे सर ये दो कहाँ से आ गया? तो मैं बोलता हूँ ये दो जो है ये इसका आधा आधा है, मतलब ये आधा पार्ट है और ये डॉट आधा पार्ट है, मतलब ये एक बनेगा यहाँ पे देखो, ऐसा समझा? आपको दिख रहा है? बाकी लोग बताइए सर, दिख रहा है सर? सर वो डॉल टाइप दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ। आपने जो डायग्राम बनाया है ना क्वेश्चन का, जो स्क्वायर बनाया है ना उसको छोटा करना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। पहला वाला जो स्क्वायर है ना, हाँ हाँ ऐसा, इसको छोटा करो, हाँ तो तभी समझ में आएगा कि वो एक ही है। हाँ अभी समझा, ये जो टुकड़ा है ये इस टुकड़े का आधा है, समझा आपको? समझ में आया। तो इसका अपोजिट ये हो रहा है, ए ब्लैंक का अपोजिट ये हो रहा है, और ये जो टुकड़े हैं इसके अपोजिट बन रहे हैं, बन रहे हो? अभी ऑप्शन क्या क्या बताओ जरा, क्या क्या ऑप्शन आ रहे थे आपके? ऑप्शन ए आएगा, ए ओनली, ए वाला आएगा, ओनली आ रहा है, ओनली ए। चलो चेक करते हैं, ये ए और सी आ रही, ए बी का ऑप्शन नहीं है, सॉरी ए। देखते हैं यहाँ पे, देखो ये ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। ये इज इक्वल का अपोजिट ब्लैंक, तो यहाँ पे इज इक्वल है तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। और ये दोनों मिलके डॉट और ये बन रहे हैं, और इसका अपोजिट मतलब इसके अपोजिट जो आएगा वो आ जाएगा, ए सेटिस्फाई हो रहा है, ए सब में दिया है। चलो अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट सी को चेक करते हैं, सी को चेक करो, क्योंकि देखो ना ऑप्शन सब में सी है ना, तो बी को चेक नहीं करना है, डायरेक्ट सी को चेक करो,
डायरेक्ट सी को चेक करो, सी रॉन्ग हो गया तो ओनली आएगा। तो देखो है ना सर, हाँ डी को करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि ए और सी नहीं, पर डी को आगे करना पे भी है ना, बी यहाँ पे भी है ना, देखो यहाँ पे अगर बी को करोगे तो सी को भी करना पड़ेगा। मैक्सिमम सी है सर। सुनीता मैम क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर अगर डी को करते तो फिर बाद में सी करना ही पड़ता आगे, क्योंकि ऊपर ए और बी में। मैं बोल रहा हूँ ए को आपने चेक किया, ए सब में था, अब सी को चेक करो तो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। डी को चेक करोगे तो सी को भी चेक करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात को? अगर सी को चेक करोगे, हाँ सी को चेक करो, ये दिया इज इक्वल के सामने ब्लैंक तो इधर आएगा ब्लैंक हो रहा है, ये ब्लैंक के नीचे ब्लैंक तो ये ब्लैंक के नीचे ब्लैंक हो रहा है, इसके नीचे वाला सेट भी हो रहा है तो ए और सी का ऑप्शन आ रहा है, ए और सी भी हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, ए और सी भी हो रहा है, ए किसने बोला था ओनली ए नहीं आ रहा है? जब ए और सी हो रहा है तो मैं डी को भी चेक करूंगा, डी को भी चेक करूंगा मैं, ए और सी भी तो हो रहा है ना। इजी कॉल का अपोजिट देखो ना, इजी कॉल का अपोजिट यहाँ पे ब्लैंक दिया है, ब्लैंक हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, इस साइड में ब्लैंक आएगा कि नहीं, इसका अपोजिट यहाँ पे ब्लैंक आएगा कि नहीं बताओ, आएगा कि नहीं मुझे बताओ। ठीक है, ये ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, तो ये ब्लैंक के नीचे ये ब्लैंक आएगा, आ रहा है कि नहीं सर? वो ब्लैंक थोड़ी ना सर, वो हाफ पार्ट है ना, पूरा हाफ पार्ट ऊपर रहेगा ना सर। मुझे भी एक डाउट है, अरे सी नहीं आएगा सर? कहां पे हाफ पार्ट आ रहा है? आपने वो जो बोले डॉट और ये, हाँ तो हाफ पार्ट है ना पूरा, तो एक हुआ ना वो पूरा, हाँ तो ये एक हुआ, हाँ ये एक हुआ, लेकिन इसके अपोजिट ये बॉक्स का अपोजिट है ना सर? हाँ बॉक्स, हाँ तो बॉक्स के अपोजिट आएगा ना। हाँ तो वो बॉक्स के अपोजिट हमने अभी तक चेक कहाँ किया है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो आप बॉक्स के अपोजिट वो एक ले लो, ठीक है? हाँ तो वो हो गया ना, सेटिस्फाई हो रहा है ना सब कंडीशन। अभी देखो यहाँ पे इजीक्वल का अपोजिट ब्लैंक दिया है, तो इजीक्वल के सामने यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, हो रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, हो रहा है कि नहीं मैं बताओ? ओके ओके, नहीं सर नहीं समझा सही का सर, एक मिनट सुना ना। हाँ बोलो मैम। गाइस में सब में आपने सिक्स भी दिए, इसमें फाइव हो रहे, क्या सिक्स दिए? क्या सब सिक्स पार्ट दिए ना, इसमें फाइव पार्ट हो रहे ना? नहीं ऐसा नहीं, फाइव किधर हो रहा है? सिक्स ही हो रहा है ना, वो वन वन पार्ट है, नीचे का एक पार्ट है, इधर का एक, इधर का एक, मिनट मेरे साथ गिनो, एक दो तीन चार पांच पार्ट हुआ, हाँ पांच हुए सही है, पांच है, ये आधा छह हुआ, ये आधा आधा है, आधा हाँ ये आधा 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 मिला के सिक्स वाला हो गया, हो गया वही आधा आधा ही है। अच्छा तो उसको वहां से फोल्ड करने का, डैश है वहां से और इधर डॉट है वहां से, हाँ वहां से फोल्ड करना, अभी क्लियर हो गया। ओके अभी यहाँ पे देखो इजी कॉल का, मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ सी में बार बार, इजी कॉल का अपोजिट ब्लैंक है तो ये इजी कॉल का अपोजिट ब्लैंक होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? इजी कॉल का अपोजिट ब्लैंक है तो सपोज करो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, हो रहा है कि नहीं बताओ स्टूडेंट? अभी देखो ये यहाँ पे ब्लैंक दिया है, अब ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक, तो नीचे वाला भी तो ब्लैंक होगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं बताओ? ओके ये इसका अपोजिट क्या है, ये माइनस और डॉट, इसका अपोजिट माइनस डॉट इधर आएगा, तो ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, माइनस और डॉट इधर आएगा ना, डॉट हां भाई, तो हो रहा है ना कंडीशन सेटिस्फाई, ए और सी तो हो रहा है। ओके नहीं समझा, सर आप डायग्राम ही फिर से बनाओ पूरा, यहाँ पे बना दो फिर से। नहीं सर सी नहीं, जो आपने ये बनाया ना मेन डाइस वाला वो, ये फिर से बनाओ। क्लियर है सर? नहीं बना देता हूँ बाकी लोग को भी, नहीं क्लियर हो तो अच्छे से बना।
अब देखो अब क्लियर हो रहा है, याद आधा पार्ट है। यस सर क्लियर हो गया सर, अभी समझ। हेलो हाँ बोलो बोलो सर। ये भी दिख रहा है प्रॉपर। हेलो सर सुनो ना। हाँ बोलो। नहीं क्या क्या चेंजेस? वही है कुछ। ये आपका हमारा ऑप्शन ए और सी आ रहा था। क्या आ रहा था? तो आपने जो बताया ए और सी, तो आपने जो बताया देखो इज इक्वल टू, तो उसके सामने ब्लैंक आएगा ना, तो इक्वल के सामने ब्लैंक आ गया। नीचे हां और ये ब्लैंक के सामने ये ब्लैंक, ये ब्लैंक के नीचे ये ब्लैंक, ये बॉक्स के नीचे ये दो शेड आ रहे हैं, तो बॉक्स के सामने दो शेड आ जाएगा। नीचे डॉट है तो सी सेटिस्फाई हो रहा है ना, और ए भी सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है ना। चलो तो डी को चेक करते हैं, डी भी हो रहा है ठीक है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे ये ब्लैंक के नीचे ये ब्लैंक, तो ये ब्लैंक पकड़ो, इसके नीचे ब्लैंक, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ये कोना बताओ मुझे, ये एज हो रहा है। हाँ सर ये ब्लैंक के नीचे, ये ब्लैंक के सामने इज इक्वल, सपोज करो ये ब्लैंक है, इसके सामने इज इक्वल आ गया, हो रहा है कि नहीं? तो ये बॉक्स के नीचे ये दो आ रहा है, ये दो आ रहे हैं, ये आधे आधे पार्ट बॉक्स के इधर, तो ये बॉक्स के सामने आधा आधा पार्ट इधर आ जाएगा, तो डी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, तो ए बी सी देखो ये ऑप्शन नंबर डी ऑल राइट। ऑप्शन में देखो ना, एक सेटिस्फाई हो रहा था, सी सेटिस्फाई हो रहा, डी सेटिस्फाई हो रहा। अच्छा हाँ यहाँ पे भी है ना, हाँ हाँ यहाँ पे भी है ना, ए सी डी, हाँ ए सी डी भी है ना, राइट। तो बी को भी चेक करो, चलो बी को चेक करो। ब्लैंक के नीचे ब्लैंक, यहाँ पे नीचे ब्लैंक, तीन ब्लैंक कैसे आ सकता, नहीं आ सकता, सिंपल। नहीं बाकी लोग कहीं कर लो, हाँ हाँ नहीं क्लिक नहीं करना, पहले समझा। चलो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट। हेलो सर। हाँ नील। कौन सा ऑप्शन बताओ ना, बता दो बता दो। देखो ए हमारा राइट हुआ, सी हमारा राइट हुआ, डी हमारा राइट हुआ, सब लोग को समझा? यहाँ पे ए सी डी, ए सी डी, ए सी एंड डी आएगा सर। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो ना, ऑप्शन नंबर थ्री एंड ऑप्शन नंबर फोर में ए सी डी का भी दिया है, बट यहाँ पे बी पे भी दिया है, तो सारा चेक करना पड़ रहा है। चलो यहाँ पे भी देख लो, बात को समझो, यहाँ पे ब्लैंक के नीचे क्या आएगा, ब्लैंक के नीचे क्या आएगा, ब्लैंक पर सर डॉट नहीं है ना, तो ये ब्लैंक के पीछे क्या आएगा, इज इक्वल, बट ये एक्स्ट्रा ब्लैंक कहां से आ गया, एक्स्ट्रा ब्लैंक है क्या हमारे पास? नहीं सर। तो ये हमारा रोवर है रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारो, ए सी डी ओनली फॉलो। सुनीता मैम आंसर राइट है क्या? सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या सबको? एक बार डी का ऑप्शन बताओ कैसा किया आप, डी का, डी का फिर से बताओ। डी का देखो, ये ब्लैंक ऊपर दिया है, ये वाला अर्शद, अर्शद ब्लैंक के नीचे क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, तो इसके नीचे ये वाले साइड में ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक अगर जो दिख रहा नहीं है ना, समझ जाओ वो ब्लैंक ही है, तो ब्लैंक है, तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं कंडीशन? ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, तो ये ब्लैंक पकड़ो, इस ब्लैंक के आगे इज इक्वल होना चाहिए था, तो इधर वो इज इक्वल आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं कंडीशन? ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के सामने अपोजिट कौन है, ये डॉट है और ये माइनस वाला साइन है, तो ये स्क्वायर के सामने डॉट और माइनस वाला स्क्वायर वाला साइन इधर आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं कंडीशन? ओके, तो हमारा डी राइट हो रहा है, और हमने ए और सी ऑलरेडी राइट करके देख लिया था, अब बी वाला हमने एलिमिनेट किया, तो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी ओनली आएगा। सुनीता मैम आंसर बताओ इसका क्या है? सर मेरा ये राइट आ गया था। नहीं आंसर बताओ ना, आपने आपके भेजा हुआ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी है ना, और पहले वाला जो क्वेश्चन थे उसका क्या हुआ? पहले वाला भी राइट था, मैं कर रही हूँ क्रॉस चेक, रॉन्ग होगा तो बता दूंगी। ठीक है ठीक है, ड्रॉप कर दूँ? यस सर। बाकी किसी को लिखना नहीं है ना?
ट्राइंगल वाला भी लो ना एक, क्योंकि ये जो छोटा वन बाय वन स्टार्ट कर, देखो इसमें कितने लोग को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ इसीलिए वो ट्राइंगल वाले में भी और प्रॉब्लम आएगा। ठीक है मतलब प्रॉब्लम देना जरूरी है। रफ कर दूं। ट्राइंगल वाले ट्राइंगल वाले ये क्या ऐसे वाले शेड मैम, ये वाले क्या बताओ मैम, बताओ ना। ये वाले थे क्या सुनते मैम, बताओ ना ये ट्राइंगल वाले बोल रहे हो क्या आप? मैम सुनीता मैम बताओ, अरे बताओ। ऑफलाइन गए हो? ऑफलाइन गए क्या? वो ऑफलाइन गए क्या? नहीं है लाइन पे। सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? चलो नहीं बता रहे तो हम लोग ये ले लेते क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। नहीं ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट कौन सा है? ये इजी है, समझ गया। ये इजी है। आप कौन सा ट्रायंगल बोल रहे थे? मैं एक मिनट में देखती हूँ, मेरे को जो हार्ड लगेगा मैं आपको बता। डी वाला राइट है। डी वाला राइट है सर। डी वाला राइट है। डी वाला राइट है। आप ट्रायंगल मतलब यही ट्रायंगल है ना? यस सर। हां यही। हाँ इसके ऊपर और ढूंढ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, इसके ऊपर ले लेंगे। देखो इसका अपोजिट ये हो गया, ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक हो गया, और ये क्या बनेगा पता है क्या? ये ऐसा बनेगा। देखो ये शेड आपस में जुड़ेंगे। देखो अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूँ नीचे से, ऐसा फोल्ड किया तो ये शेड बनता है, जुड़ता है यहाँ पे बरोबर, और ये ब्लैंक इधर आएगा और ये ब्लैंक इधर आएगा। ये बन रहा है कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट। अरे बताइए। हाँ सर समझ। ठीक है अभी ये देखो यहाँ पे डॉट दिया है और यहाँ पे शेड दिया है। इतना शेड, आधा शेड तो है ही नहीं, शेड तो पूरा ये बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो रहा है। ठीक है ना? अभी देखो ये ब्लैंक के नीचे इस ब्लैंक का अपोजिट ये है, तो ये ब्लैंक के नीचे ब्लैंक आएगा। इस ब्लैंक का अपोजिट ये है, तो ये ब्लैंक के नीचे इधर ब्लैंक आएगा। ये ब्लैंक के नीचे ये ब्लैंक। ठीक है तो जीरो जो है कहाँ गया? जीरो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो ये जगह खाली हो गया, ये अगर जीरो यहाँ पे ले तो सामने शेड आना चाहिए था। होगा क्या यहाँ पे बताओ? ठीक है ये शेड है और शेड का अपोजिट ये जीरो है, तो ये शेड का अपोजिट तो बाजू में दे दिया है, तो क्या ये हो सकता है क्या? नो। ठीक है ये शेड है, जीरो है, जीरो के अपोजिट शेड आएगा तो यहाँ पे शेड आ जाएगा। ये ब्लैंक दिया है, इसके नीचे ब्लैंक आना चाहिए क्योंकि इधर ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक आ गया। ये ब्लैंक दिया है, इसके आगे ब्लैंक आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। समझे आपको? यस। ठीक है बनाना इसको, रफ कर दूं। रफ कर दो सर। हाँ हाँ इसमें ये जो ट्राइंगल्स है ये चारों एक साथ देखेंगे ना अपन? हाँ चारों एक साथ देखना है। ये बना लो आप साइड में चाहिए तो, अगर नहीं समझ रहे तो इससे आप डायरेक्ट लिंक कर लो। वो कितना भी रोटेट करे कोई मतलब नहीं बनता, हमें अपोजिट देखना।
क्लियर है? यस सर। ठीक, रब कर दूं? हाँ। वो सेवेंथ सम लो ना, वो कुछ अलग ही है। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट में ही होगा, ऊपर ही होगा पेज में। हाँ, एक मिनट देखते हैं। सिक्स तक है मेरे पास, सेवेंथ वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं है मेरे पास, इसमें दिख रहा भी नहीं है प्रॉपर। सिक्स तक ही भेजा हुआ है। सेवन सिक्सटीन और ट्वेंटी टू मुझे थोड़ा अलग लग रहा है इसमें। 16 एंड 22। हाँ, ये तीन मैडम नंबर ही दिख रहा है मुझे, ये देखो नंबर दिख रहा है, नहीं मुझे दिख रहा आपको यहाँ पे। मैं भेजू अभी आपको वापस? कृति मैम को भेजो, कृति मैम तो नहीं यहाँ पे, आप कैसे भेजो, कल भेजो फिर डाउट में ले लूंगा। ठीक है। चलो शेड वाला लेते हैं, दूसरा वाला कहाँ गया? मैं डिक्टेट करूं क्या सर? पर ऑप्शंस नहीं हो पाएंगे। नहीं डिक्टेट करोगे मैं कैसे बनाऊंगा? ऑप्शंस नहीं हो पाएंगे, बना तो लोगे। नहीं बना भी नहीं पाऊंगा ना, वैसा प्रॉब्लम है, ऐसा चीज ही है। आप ट्राई करो वो क्वेश्चन, वो ट्राई करो क्वेश्चन को, बनेगा बनेगा वो क्वेश्चन, आप ट्राई करोगे ना, बनेगा बनेगा। आपका बेस पता चल गया ना, अपोजिट लेके चेक करना है बस। हाँ हाँ। चेरी खाने का है क्या? क्या ये वाला राइट आ रहा है आपका? ये वाला राइट आ रहा है, वही बोला राइट कैसे आ रहा है? ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर वन ए एन सी, ऑप्शन नंबर टू बी सी डी, ऑप्शन नंबर थ्री डी ओनली, ऑप्शन नंबर फोर क्या लिखा है, सी एन डी, सी एन डी वाला कांड भी डिटरमाइन नहीं है, सी ऑल डी, चेक करके बताओ क्या ऑप्शन है। अच्छा इसका अपोजिट ये आएगा, ठीक है, सी कैंसिल होगा, ए भी कैंसिल होगा। हाँ, और इसका अपोजिट ब्लैंक, इसका अपोजिट ब्लैंक, इसके नीचे, इसके नीचे शेड आया, इसके नीचे शेड, यहाँ पे ब्लैंक पे ब्लैंक का ब्लैंक। हाँ, डी वाला ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट इधर आ जाएगा, ये ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, ये ब्लैंक के जो ब्लैंक, ठीक है, बट शेड कहाँ पे? पर बी आंसर राइट है। हाँ, पर ऑप्शन में नहीं है सर। हाँ सर, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन लिया मैंने, एक बार ऊपर जरा ए ए बी सी मैंने प्रॉपर बनाया है, कोई देख लेता हूँ। राइट है सर, ऑप्शंस वगैरह आंसर डी है। देख मैं रुको, देखने दो मुझे, डी यहाँ पे लिया मैंने, ऑप्शन है ए सी डी सी डी, ओनली डी, ओनली डी और सी डी, बनाओ, रॉन्ग तो नहीं है, प्रॉपर लिखा है मैंने, करो क्या क्वेश्चन आ रहा है? हाँ डी वाला राइट आ रहा है क्या? किसका डी राइट आ रहा है? बी 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 राइट आ रहा है क्या? हाँ मतलब बी सी डी, मतलब ये दो तीन राइट है,
नहीं मतलब वो ए बी सी डी में से बी वाला राइट आ रहा है और वो ऑप्शन में नहीं है। हाँ सर बी वाला राइट आ रहा है पर ऑप्शन में नहीं है। बी वाला राइट आ रहा ऑप्शन में नहीं है। सॉल्व करो फिर से। अभी देखता हूँ। क्या कर रहे हो? रोटेट करके अच्छा चलो सॉल्व करो। हाँ सर। हेलो सर ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ ट्राई करो 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 चेक करके। नहीं बी वाले में देखो इसका जो शेड है ना वो डाउन टू क्रॉस है। इसका शेड है हाफ है। नहीं शेड घुमाओ ऐसा घूमेगा। अगर घुमाओगे तो ये ब्लैक शेड इधर आएगा ऐसा आएगा। ऊपर जाओगे ऊपर आएगा डाइस पे। हाँ नीचे आएगा ही नहीं ना। नहीं नहीं ये देखो ये शेड है। ये देखो एक मिनट ये शेड है। यही शेड है ना। इसको रोटेट करोगे तो बाद में ये शेड ऐसा बनेगा। उसको रोटेट करोगे ये बाद में ऐसा बनेगा। इसको रोटेट करोगे बाद में ऐसा बनेगा। उसको रोटेट करोगे बाद में ऐसा बनेगा। नहीं हाँ बनेगा ना ऐसा बनेगा। बट ये ऐसा बनना है। ये हाफ पार्ट है तो ये हाफ पार्ट ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा क्रॉस होगा। देखो ना सर ऑप्शन डी बराबर। ऑप्शन डी आएगा राइट। ऑप्शन डी सर। तो शेड वाले में देखो यहाँ पे चेक करते हैं। इसका अपोजिट ये आ रहा है। इसका अपोजिट ये आ रहा है और ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है अब देखो यहाँ पे कितना बज गया 8 मिनट। देखो यहाँ पे इसका अपोजिट ये तो ये दोनों बाजू बाजू में तो बैठेगा नहीं। ये हो रहा है रॉन्ग। ठीक है ऑप्शन नंबर सी में भी ये बाजू बाजू बैठा ये भी हो रहा है रॉन्ग। अब बचा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सॉरी बी और डी। ऑप्शन नंबर सी कैसे आएगा सर? नील कैसे आएगा? देखो ना देखो सर सी का जो अपोजिट है वो हाफ बताया ना आपने तो सर जो सी का जो शेडेड पोर्शन है उसका अपोजिट क्या आएगा? एक ब्लैक पोर्शन आएगा। नहीं देखो ना ये इसका अपोजिट ये आएगा। हां बराबर हां देखो इसका अपोजिट ये आएगा। तो ये जो शेड है ना ये शेड का अपोजिट इधर आना चाहिए था बट ये शेड ऊपर कैसे आएगा बताओ? बाजू-बाजू में आएगा क्या? हां वो भी बाजू-बाजू में नहीं होता ना अनिल। हां सॉरी सर। ठीक है ये रॉन्ग हो गया। अब देखो यहाँ पे बी और डी में ऑप्शन में देखो ये जो शेड है ये डाउन शेडेड है और ये जो शेडेड है क्रॉस शेडेड है। तो क्रॉस शेडेड कभी डाउन शेडेड बनेगा क्या? रोटेट करके देख लो कभी नहीं बनेगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा सर। बी ऑप्शन आएगा ही नहीं सर। डी ऑप्शन बनेगा सर। डी बनेगा देखो चेक करो। नहीं नहीं बी सर मैं बोला बी ऑप्शन आएगा ही नहीं आएगा क्योंकि डाउन शेडेड है। डाउन शेडेड और क्रॉस शेडेड में बहुत फर्क होता है ना। ये है क्रॉस शेड। ये बनना चाहिए तो ऐसा बनना चाहिए था ऐसा हाफ में अगर रोटेट करता तो। ठीक है अभी देखो ये ब्लैंक दिया है। इस ब्लैंक का अपोजिट देखो ये डॉट दिया है। ये डॉट का अपोजिट ब्लैंक होना चाहिए तो यह साइड में ब्लैंक आ जाएगा। हो रहा है ये ब्लैंक दिया है इसके नीचे ब्लैंक आना चाहिए क्योंकि इसका ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये ब्लैक शेड आ गया यहाँ पे क्रॉस शेड आ गया दोनों आ गया तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं कंडीशन? कहाँ पे ब्लैक शेड आया सर? यहाँ पे ब्लैक शेड आ गया दो शेड दिख रहा नहीं है ना। ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक हो गया। देखो ना ये कहाँ गया प्रॉपर बना है। देखो ये डॉट इधर डॉट यहाँ पे देखो डॉट का अपोजिट ब्लैंक आ रहा है तो ये डॉट का अपोजिट इस ब्लैंक पे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हाँ सर। ठीक है अब ये ब्लैंक दिया है अब ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक आ रहा है तो ये ब्लैंक का अपोजिट ये साइड में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर। ऊपर भी तो ब्लैंक दिया है ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक तो रॉन्ग है सर। सर डी आएगा ही नहीं। डी वाला कैसा होगा सर?
शेडेड पैटर्न एक ये ब्लैंक अपोजिट ये ब्लैंक ब्लैंक दिया है ये ब्लैंक अपोजिट ये ब्लैंक का अपोजिट अगर मैं यहां पे लेता हूं तो ये ब्लैंक नीचे आएगा राइट है डी आंसर डी आंसर राइट है लेकिन कैसे राइट है कैसे ब्लैंक और एक डॉट आएगा तो आंसर राइट ही रहेगा ना अगर आप तीन साइड डॉट का ये डॉट का अपोजिट ब्लैंक तो ये डॉट का अपोजिट इधर ब्लैंक आ रहा है ठीक है यहाँ पे देखो ये डॉट का अपोजिट कलर का ऑपोजिट कलर आ रहा है हाँ कलर कहाँ है मैम चेक करेंगे अभी देखो यहाँ पे ये डॉट का अपोजिट जो चीज दिया उसको देखो पहले ये डॉट का अपोजिट ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे ब्लैंक ले लिया ऊपर वाले साइड में ये हमारा दो खत्म हो गया ये खत्म हो गया ठीक है अभी ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक है अभी यहाँ पे ब्लैंक दिया तो दो ब्लैंक दिए यहाँ पे ब्लैंक नहीं है सर वो आपने वो ऐड किए थे उधर क्वेश्चन में जो आप बोले ना ब्लैंक अपोजिट और ब्लैंक डायग्राम 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 उधर कुछ कुछ भी नहीं उधर ऊपर हाँ उसके नीचे कुछ भी नहीं है शेडर के नीचे नहीं ये ब्लैंक ही है ना इसका क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन में नहीं है ये है ना सर ब्लैंक होगा ना इसका अपोजिट ये हो रहा है इसका अपोजिट ये हो रहा है और ये ब्लैंक का अपोजिट नीचे वाला ब्लैंक हो रहा है नहीं सर आपने डायग्राम ऐसा नहीं बनाया था आपने ये स्क्वायर एक ऐड किया है अभी नीचे शेडर के नीचे हाँ ये मैंने ऐसा ही था पहले से वैसा ही है पहले से बनाया मैंने ये पहले से था वो हाँ ये पहले से बनाया मैंने okay. अरे इतना भी गलत साबित मत करो यहाँ पे देखो यहाँ पे डॉट का अपोजिट ये ब्लैंक डॉट का अपोजिट यहाँ पे ब्लैंक दिया है तो ये ब्लैंक इधर आ गया एक ब्लैंक खत्म हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा ठीक है ये ब्लैंक का अपोजिट नीचे ब्लैंक आना चाहिए एक्स्ट्रा ब्लैंक कहाँ से आ गया ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को एक्स्ट्रा ब्लैंक कहाँ से आ गया ये तीन ब्लैंक कहाँ पे एक दो तीन ब्लैंक कैसे आ सकता है दो ही ब्लैंक दिखेगा ना अगर अपोजिट होगा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा सर बी रॉन्ग कैसे तो बी सर बी राइट है प्रिंटिंग नहीं ऐसे तो सेम ही रहेगा सर राइट है सर ए वन बाय वन वन सर बी 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 राइट हो रहा है सर मतलब बी वाला एक मिनट बी राइट हो रहा है क्या हेलो वो भी चेक करना है क्या हाँ नीचे आ रहा है ना देखो यहाँ पे एक मिनट देखो यहाँ पे बी राइट हो ही नहीं सकता ये यहाँ पे प्रिंटिंग वर्टिकल और स्लांट चाहिए ना वो चेक करना पड़ता है ना हाँ एग्जैक्टली घुमाओ ना ये देखो ये शेड को मैं उठाता हूँ यहाँ पे देखो ये शेड को उठा लिया मैंने ये शेड ऐसी है ना हाँ एक नहीं इसको रोटेट करता हूँ मैं ऐसा आएगा आ जाएगा पर वर्टिकल नहीं आएगा ये वर्टिकल नहीं आएगा हाँ हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा सर वो जो भी है यहाँ पे वो नहीं आएगा तो ये नहीं हो रहा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ तो है ये तो है नहीं ये तो है नहीं ये होगा नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या हुआ क्या चल रहा है राइट है क्या सीरियसली बताओ यहाँ पे शेड आना चाहिए था तब वहाँ पे ब्लैंक होएगा क्या बात कर रहे थे क्या नहीं समझाना पड़ता अभी ये शेड होता तो यहाँ पे ब्लैंक शेड आता तो राइट होता तो डी ओनली राइट होता बताओ यहाँ पे सुनते मैं आंसर क्या था आंसर क्या है सुनते आंसर बताइए ना मुझे प्लीज आवाज आ रही है क्या यस सर आंसर क्या है मैं सुनता मैम बताइए इसका आंसर क्या था चेक करो क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे शेड आना चाहिए था आप लोग क्या कर रहे हो चेक किया था प्रॉपर नहीं सीरियसली बताओ नहीं ये बताओ ये तो होगा नहीं ये वर्टिकल होगा नहीं ये होगा यहाँ पे शेड चाहिए था यहाँ पे इसको पूरा ब्लैक करो वहां पे शेड आएगा
या तो इसको हाफ शेड करो तो वहां पे ब्लैक आएगा। नहीं ना वर्टिकल घुमाओ ना इसको। ऑप्शन में डी ओनली दिया है, ऑप्शन बी ओनली नहीं दिया है। हाँ बी ओनली दिया नहीं है ना, अगर आप बोल रहे हो बी ओनली है नहीं किसी पे भी, बी के साथ सी टी दिया है, सी टी तो रॉन्ग हो रहा है। चलो रफ कर दूं क्या इसको? यस सर। सुनीता मैम आंसर बताइए ना क्या है? सुनीता मैम इसका आंसर बताइए ना क्या है? चलो रफ कर देता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ। अभी चलो ये वाले शेड खत्म करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन लेती हूँ। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हेलो क्लास, यस सर। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं एसएससी और रेलवे में आते, बैंकिंग में नहीं आते, ठीक है? और ये एक मार्क का क्वेश्चन फिक्स होता है, वन मार्क के लिए आता ही आता है, भले वो दो मार्क हो जाए तीन मार्क हो जाए, बट वन मार्क के आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में देखो दो आपको दिए रहेंगे बॉक्स में, ऐसे दो बॉक्स दिए होते हैं, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में होता है और आपको कुछ भी नंबर दे सकता है फेथ या फिर कुछ भी दे सकता है, नाम ले लो किसी का रोहित, तो इसको कोड क्या होगा इसको हम लोग मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। बट इससे पहले आप ये समझो रो किसको बोलते हैं, रो किसे बोलते हैं? इसे रो बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर इसे रो बोलते हैं, ठीक है। कॉलम किसको बोलते हैं? यस ये होता है कॉलम, ठीक है। बस इसका ध्यान रखो आप, रो किसे कहेंगे कॉलम किसे रहेंगे, तो ऑप्शन में भी पहले रो आएगा देन कॉलम का ऑप्शन आएगा, वो मैं समझाता हूँ। करप कर दू डायरेक्ट क्वेश्चन लेते, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले ना मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पहले वो देख लो। यह है मैट्रिक्स वन जीरो वन टू थ्री फोर, नहीं बैंकिंग तो नहीं है, जीरो वन टू थ्री फोर, thank you.
ये है मैट्रिक्स वन, मैट्रिक्स टू कहाँ पे बना, यहाँ पे नीचे दिखेगा क्या, हाँ एक ये क्वेश्चन है, पहले मेरे को सॉल्व करने दो उसके बाद बताऊंगा। ये सर वो मैंने भेजे थे वैसे वाले मैट्रिक्स है। हाँ मैम आप वैसे आपने भेजा था वही मैट्रिक्स। सुनीता मैम आवाज आ रही है? सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या, मुझे बताओ। अरे बोलो सुनीता मैम कहाँ गया। देखो यहाँ पे सर, गुड मॉर्निंग सर, जो आपने वो नंबरिंग दिए वो किसके ये? बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे समझो, ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। पहले आपको ये बॉक्स बना के देगा मैट्रिक्स, एग्जाम में आपको मैट्रिक्स आएंगे, एक मैट्रिक्स होगा ये और एक मैट्रिक्स होगा ये, टोटल दो मैट्रिक्स आएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, नाम पूछेगा और पूछेगा ये चार ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, पहले चेक करो यहाँ पे, ये होता है रो, डाउन साइड होता है रो कि ये साइड होता है रो, बताओ कौन सा होता है, ये साइड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ मुझे, रो किसका होगा, इसको बोलते हैं रो या ये साइड वाला रो? हॉरिजॉन्टल रो। देखो यहाँ पे, यहाँ पे नंबरिंग को देखो, पहले 0, 1, 2, 3, 4 देन 5, 6, 7, 8, 9 नंबर दिया है। देन अगेन यहाँ पे भी चेक करो आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिया है। इसके अगेंस्ट देखो अल्फाबेट दिया है सबका, हमें ना चेक करना है, ये टोकन दिया है यहाँ पे, इसका कोड चेक करना है। तो पहले टी का कोड देखो, ऑप्शन वाइज चेक करो, 6 आपका होगा कॉलम, 8 होगा रो, समझो। यहाँ पे पहला वाला अगर 6 दिया है 8 दिया है तो 6 होगा आपका कॉलम, 8 होगा आपका रो। तो 6 दिया है ना, 6 वाले कॉलम में आओ, 6 वाला कॉलम यहाँ पे आया। दूसरा क्या दिया है, 8 दिया है ना, तो 8वें नंबर पे देखो 6 वाले पे टी दिया है, यहाँ पे टी है, तो 6868 वाले ऑप्शंस ये राइट हो रहा है, ठीक है। 22 दिया है, 0 ओ दिया है, 22 मतलब दो कॉलम दो रो, तो दो वाले कॉलम में देखो और दो वाले रो में देखो है कि नहीं 0, मतलब ओ है कि नहीं, दो वाले कॉलम का दो वाला रो देखो है कि नहीं, यस सर, ठीक है। ऐप को देखो, ऐप को यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 0 0 दिया है,
तो यहाँ पे जीरो कॉलम जीरो रो एफ यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेरे को यो वाला नहीं समझा। क्या नहीं समझा? यो वाला। बाकी लोग बाकी लोगों को समझा? नील आपको टी वाला नहीं समझा, मुझे वापस स्टॉप करना चाहिए। नील मुझे यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए था। सॉरी सर मेरे को टी वाला सच में नहीं समझा। देखो टी वाला दिया है यहाँ पे, तो जो ऑप्शन इसके अगेंस्ट दिया है ना, तो पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो कॉलम होता है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन होता है वो रो होता है। तो कॉलम नंबर कितना दिया है? सिक्स। तो कॉलम कॉलम मतलब होता है ऐसे, और लाइन पे सिक्स पे जाओ, यहाँ पे सिक्स आया कि नहीं पहले देखो, आया ना? हाँ सर। अभी यहाँ पे दिया है एट, तो सिक्स पे एट वाला नंबर देखो, उसके सिक्स के अगेंस्ट एट वाला नंबर देखो, टी है कि नहीं? हाँ सर है। तो ये टी हमारा 68 कोड एट सही है। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? ए का चेक करना है ना, ए का, ए का चेक करो, जीरो और टू, जीरो ये मिट गया, यहाँ पे क्या था? बी आंसर आएगा, बी। देखते हैं, मैं बारा बता रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। ए यहाँ पे है, जीरो और टू, ये क्यों हो रहा है? एन को देखो, जीरो और टू, जीरो और टू, एन, ये भी तो हो रहा है, कैसा रॉन्ग हो रहा है? ए का दिया है जीरो और टू, जीरो देन टू, एन हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सर वॉइस म्यूट हो गया, सर वॉइस म्यूट हो गया आपका। अभी आ रही आवाज? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। अभी ए का देखो, यहाँ पे ए का देखो, ए का क्या दिया है? जीरो और टू दिया है ना, जीरो कॉलम, ये हो गया कॉलम, और टू रो हो गया, जीरो कॉलम और टू रो में, टू वाले रो में एन दिया है, बट हमें चाहिए क्या था? ए। ए तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। चेक करने का तरीका पता चला आपको कैसे चेक करना है? हाँ सर। बट हम ना ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, बहुत टाइम जाता है, बट वो बहुत टाइम जा रहा है और एक मार्क ही आएगा, तो टाइम खा रहा है कि नहीं? तो क्या करना हमें इसको ना उल्टा सॉल्व करना, एन से सॉल्व करो, एन से सॉल्व करो उल्टा। एन का कोड देखो जीरो और टू, एन का कोड देखो जीरो और टू, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टू, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं बताओ स्टूडेंट, बताइए ना। यस सर। हाँ सर हो रहा है। नीचे वाले ऑप्शन में जाओ डायरेक्ट, सेकंड वाले में एन का ऑप्शन दिया वन और फोर, वन एंड हो रहा है सर, हो रहा है। थर्ड वाले ऑप्शन में जाओ, सिक्स और सेवन, सिक्स एंड सेवन, ई आ रहा है ना यहाँ पे, लेकिन एन चाहिए था ना? हाँ सर। ये हो गया रॉन्ग। ये वाले ऑप्शन में देखो नाइन और एट, नाइन और एट क्या चाहिए था हमें? एन, यहाँ पे क्या है? एच, ये हो गया रॉन्ग। चेक करना नहीं है पूरा हमें, ठीक है? ये दोनों हमारा राइट मिला, एक ऑप्शन पहले आ जाओ, कोई भी ले लो, इसका ले लो या इसका ले लो, किसी का भी ले लो। यहाँ पे जीरो टू देखो, जीरो और टू एन है, लेकिन चाहिए क्या? तो ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया राइट, बाकी चेक करना ही नहीं, समझा? आपको उल्टा आना है, सीधा नहीं जाना है, समझा आपको? क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। अभी ये नहीं समझा तो फिर राम राम। Thank you.
ये है मैट्रिक्स नंबर वन ये है मैट्रिक्स नंबर टू। सबको क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ सर सही है, सबको क्लियर है ना। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ऑप्शन भी लिख लो। चेक करो, सॉल्व करो। ऑप्शन टू आएगा, ऑप्शन टू है। ओके फोर फोर। अच्छा देखते हैं, बी ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड देखते हैं। ऑप्शन थर्ड सर, ऑप्शन फोर्थ। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर फोर, एग्जैक्टली ऑप्शन। बाकी लोग फिर से चेक करो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, देखो जरा। यस सर फोर्थ है, बताया ना उनको मैं ऑप्शन। सर डी ए डी फोर्थ है। ओके सर ऑप्शन नंबर फोर। एग्जैक्ट चलो समझ में आया सबको क्या है आंसर, सबका आंसर क्या रहा? अरे बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर, बहुत लोगों का टू आ रहा है, बहुत लोगों का थ्री भी आ रहा था। तो मैंने क्या बोला था, पीछे से आपको टैकल करना है, इसको आगे आगे से टैकल नहीं करना है।
तो जब पीछे से आप आ रहे थे देखो टी दिया है, सिक्स कॉलम सिक्स रो दिया है, सिक्स पे सिक्स देखो यहाँ पे टी दिया है, टी दिया कि यहाँ पे क्या दिया है, आई दिया है ना, देखो ना यहाँ पे सिक्स आपका कॉलम हो गया, सिक्स आपका रो हो गया, सिक्स वाले कॉलम में सिक्स नंबर रो में यहाँ पे आई दिया है, हमें क्या चाहिए था, टी चाहिए था, तो ये हमारा रॉन्ग होगा कि नहीं स्टूडेंट बताइए। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसमें आते हैं सेवन कॉलम में एट रो, देखो यहाँ पे सेवन कॉलम का एट वाला रो टी आ रहा है, हमें क्या चाहिए था, टी चाहिए था, तो क्या वो सेकंड राइट होगा? नो सर। नहीं होगा। अभी सर, देखो सर, सर। हाँ बोलो ना। सेकंड में सेवेंथ कॉलम सेवन कॉलम और एट रो देख रहे हैं ना हम, सेवन कॉलम एट रो, एट रो मैम, सेवन देखो सेवन कॉलम सर वो रो हुआ ना सर, कॉलम एंड रो, रो रो इनटू कॉलम, रो ये कॉलम ये रो, कॉलम रो, ये कॉलम होता है ये रो होता है, ये कॉलम ये रो क्या आ रहा है, पहला कॉलम सेकंड रो, तो कॉलम और रो ऐसा होता है ना, ये डायरेक्शन में रो होता है ना। यस सर। तो सेवन का एट के नीचे देखो पी दिया है, हमें चाहिए क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं, सेवन और एट मतलब क्या? नहीं नहीं सर, सर इसको एक वापस से करके कुछ समझाया नहीं मेरे को, मैं समझा गया, देखो सेवन कॉलम है एट रो है, कॉलम मतलब ये डाउन साइड में आ रहा है कॉलम, स्ट्रेट साइड में जा रहा है रो, ठीक है, सेवन कॉलम है एट रो है, सारे ऑप्शन ऐसे ही होंगे, कॉलम देन रो, कॉलम देन रो, तो सेवन कॉलम में देखो सेवन कॉलम मतलब ये हो गया सेवन कॉलम, ठीक है, आठवें वाले रो पे देखो सेवेंथ वाले कॉलम में आठवां वाला रो क्या आ रहा है, आठ के नीचे देखो सेवेंथ कॉलम में क्या आ रहा है, बताइए ना स्टूडेंट, पी आ रहा है सर, मैं वही चीज, अगर हम ऊपर सेवेंथ देखते हैं और यहाँ पर नीचे एट ले रहे हैं तो टी आता है। हाँ सर, कॉलम रो लेंगे तो कॉलम रो का ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो लेना ही नहीं है ना ऊपर, मैं क्या सर, रो कॉलम लेंगे तो इजी जाएगा ना, सेवेंथ रो एट कॉलम, बाबा आपके हिसाब से मत बनाओ ऑप्शंस, ऑप्शंस फिक्स होता है, नहीं समझ रहा है कि फिर एग्जैक्टली कॉलम क्या है और रो क्या है, एक्चुअली उसमें कंफ्यूजन आ गया, ठीक है मैं रब करके पहले अच्छे समझा, देखो यार ये आपको समझ में आया ना, ऐसा डाउन आ रहा है वो क्या होगा, हाँ ये कॉलम, वो कॉलम है, ये हो गया, ठीक है, क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन था, यस सर, ऑप्शन नंबर बताओ पहला क्या था, तो डायरेक्टली सेकंड लिख दो, 27 21, नहीं डायरेक्ट सेकंड बताओ, चलो 95 33 40 78, आप बात को समझो, ये 95 है क्या, पहला आएगा कॉलम देन रो ऑलवेज, नहीं तो 78 से कीजिए ना, सिर्फ टी का ही बताइए, अरे मैं बोले रुको तो सही, यहाँ पे देखो 95 दिया है, यहाँ पे 9 होगा कॉलम और 5 होगा रो, यहाँ पे 33 दिया है तो 3 होगा कॉलम 3 होगा रो, 40 दिया है 4 होगा कॉलम 0 होगा रो, और 7 होगा कॉलम 8 होगा रो, तो ये फिक्स आप उल्टा नहीं कर सकते कि मतलब 5 होगा कॉलम 9 होगा रो, ऑप्शन फिक्स होता है, कॉलम रो मतलब रो, ऑप्शन फिक्स होते हैं, आप उल्टा नहीं कर सकते, मतलब अगर आपका जैसे बोल रहे हो आप 7 और 8 दिया है, अगर मैं इसको कॉलम मान रहा हूँ इसको रो मान रहा हूँ, तो 7 का देखो कॉलम में ये 7 है और 8 के नीचे क्या आना चाहिए था, टी, हमें चाहिए था टी, बट आया पी, आ गया रॉन्ग, ठीक है, बट आपके हिसाब से बोलोगे
आपके शब्द बोलोगे कि यहाँ पे आ जाएगा रो, यहाँ पे आएगा कॉलम, तो ऐसा कभी नहीं होगा। पहले होगा कॉलम देन रो, और हर ऑप्शन में ऐसे ही होगा कॉलम देन रो, समझे आप? ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सीधे में रो, सीधे में रो आता है या कॉलम आता है? सीधे में कॉलम, नीचे के साइड कॉलम, ये साइड में क्या रो? अच्छा नहीं समझ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कॉलम का फर्स्ट वर्ड क्या है? सी। तो काम डाउन, सी काम का क्या है फर्स्ट वर्ड? सी है ना, डाउन, वो नीचे जाएगा। और रो का देखो यहाँ पे क्या है, तो उसको समझ लो राइट है, तो राइट है मतलब जिंदगी में आगे बढ़ेगा, तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ तो करो यार, तो यहाँ से ऐसा जाएगा स्ट्रेट। और कॉलम को ले लो काम डाउन, नीचे जाएगा, ये सिंपल तरीका है इससे। और कैसे समझो, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, मुझे ऑप्शन बताओ ना, ऑप्शन क्या था? ये वाला ऑप्शन आ रहा है, 78, 32, 38, 37, 38, 42, 11, 58, 11, 58, 42, 11, 58, 11, 58, 42, 11, 58, 11, 58, 42, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11, 58, 11,
रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। टी का देखो, टी का पहला होगा कॉलम देन रो, तो सिक्स का कॉलम का सिक्स रो देखो, सिक्स कॉलम का सिक्स रो देखो, यहाँ पे क्या आई डी है, पर हमें चाहिए क्या, हो गया क्या, टी चाहिए सर, ये हो गया रॉन्ग। और सेकेंड हमने चेक कर दिया था, ये भी हो गया था रॉन्ग हमारा, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, एट और सेवन दिया है, तो एट कॉलम सेवन रो, तो एट कॉलम में सेवन रो के नीचे टी दिया है, हमें चाहिए था टी, ये हो सकता है। चौथे वाले ऑप्शन पे आओ, फाइव और एट दिए कॉलम और रो, तो फाइव वाले कॉलम पे एट वाले रो पे ये भी टी दिया है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन का चेक करते, थ्री और फोर, थ्री का दिया है और फोर पे एन दिया है, पर यहाँ पे एन दिया है क्या, फोर पे देखो नहीं दिया है, कॉलम रो दिया है क्या, ई दिया है ना, आंख बंद करके इसको साइन राइट करो, 100% राइट। टाइम वेस्ट मत करो, इसके ऊपर बहुत टाइम वेस्ट होता है, पीछे से सॉल्व करो, आंसर मिलते हैं। चलो क्लियर है सबको, मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं। ये एक मार्क ले आता है, नहीं नहीं ये अभी समझाने में टाइम जा रहा है, आप लोग खुद जब पूरा पेपर दोगे ना, ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा, फटक से समझिएगा, देख देख के समझ में आएगा। ऑनलाइन फिजिकल में फर्क तो है, देखो फिजिकल में कैसे मस्ती कर रहा हूँ, ऑनलाइन पे ध्यान दे रहा हूँ, और नोट का देख लो, 40, 75, 96, 34, ऑप्शन नंबर 2, 33, 99, 87, 14, ऑप्शन नंबर 3, 04, 67, 78, 21, ऑप्शन नंबर 4, 22, 56, 65, 43, बताओ। 1 1 है, चेक करना पड़ेगा, 1 सर 1 1 हां 1 है, 3 और 4 ना, 3 का 4 1 का 4 गलत हो गया, 2 का 1
टू का वन गलत हो गया, टू का वन गलत नहीं, टू का वन भी है, फोर और थ्री, फोर का थ्री, फोर का थ्री, तो फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड, तो इसको टी का देखो, 96, 9 का 6 टी आ रहा है, 78, 7 का 8 पी आ रहा है, तो फर्स्ट फर्स्ट देख मोबाइल वोबाइल चालू करके बैठे पिछले में मूवी देख रहे हैं, बड़े बदमाश हो रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है सबका, क्या आंसर आ रहा है बताइए ना स्टूडेंट, फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट समझा ना, आपको आगे सॉल्व नहीं करना, इसको पीछे सॉल्व करना, अगर आगे सॉल्व करेंगे ना चेक करो, देखो बहुत दो तीन तो कॉमन मिलेगा, एन का देखो 4 0 4 और 0 एन मिल रहा है, 33 में देखो 3 का 3 एन मिल रहा है, 04 में देखो 0 and 4 वापस एन मिल रहा है, 22 में देखो 2 का 2 एन मिल रहा है, देखो एन सब में आ रहा है, देख रहा है कि नहीं आपने यहाँ पे, तो आगे सॉल्व करना है नहीं, एग्जामिनर तो 3 सेमी दे सकता है, 2 सेमी देगा, टाइम वेस्ट करवाएगा, बट लास्ट वाले में टाइम वेस्ट नहीं करवाएगा, तो पीछे सॉल्व करें, हमको टाइम बचाना है भाई, जिंदगी में बहुत कम टाइम। चलो मैं सॉल्व करूँ इसको, यहाँ पे देखो ई का देखो, यहाँ पे ई का कॉलम और रो 3 और 4, 3 का 4 ई आया कि नहीं आया मुझे बताओ स्टूडेंट, बताइए इन कॉलम का चौथा रो में, चौथा रो में ई आ रहा है कि नहीं, तीन कॉलम yes, का आ रहा है, तो ये हो सकता है, देखते हैं नीचे 1 का 4 वन कॉलम का चौथे में यू आ रहा है, हमें चाहिए था ई, तो क्या ये हो सकता है, क्या गया 2 का 1 2 का 1 में देखो 2 दिया है, इसके नीचे 1 दिया है, ई आ रहा है, हमें ई चाहिए था, तो ये भी हो सकता है, 4 का 3 में देखो 4 कॉलम 3 रो, तो 4 कॉलम देन 3 रो एस दिया है, बट हमें चाहिए कौन सा था, 4 कॉलम का 3रा रो में क्या दिया, एस दिया है ना, बट हमें चाहिए क्या था, ई, तो ये होगा क्या ऑप्शन, कट हो गया ना yes, अभी यहाँ वाले, ये वाले में देखो, ये वाले ऑप्शन में 9 और 6 दिया है, 9 कॉलम का 6 वाले रो में देखो टी दिया है, तो ये तो हो सकता है, 7 और 8 में देखो बच्चे कुछ ऑप्शन में 7 और 8 7 का 8 वाले में पी दिया है, बट हमें क्या चाहिए टी, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो हमें फर्स्ट वाला राइट हो गया, समझा आपको यस सर। मैट्रिक से और एक क्वेश्चन ले लूं क्या, ऐसे ही आते क्वेश्चन, एक मार्क के लिए यही आएगा, तो ये सर नया चैप्टर शुरू कर, हाँ नया चैप्टर, नया चैप्टर देखो कहाँ शुरू करूँगा, एक क्वेश्चन ले लो अभी, सिलोक ले लो क्या, सिलोक ले लो, वेन डायग्राम ले लो, वेन डायग्राम डायरेक्ट सर, काउंटिंग्स ऑफ फिगर्स आता ना वो ले लो, काउंटिंग्स ऑफ फिगर धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, मॉर्निंग में सिलॉग चल रहा है तो मुझे इवनिंग में भी सिलॉग लेना पड़ेगा, पिक्चर फॉर द वो कंप्लीशन वेन डायग्राम फिगर कंप्लीशन या फिर एम्बेडेड फिगर ले लो, फिर वो होगा क्या, उसमें 10 मिनट में नहीं एम्बेडेड फिगर तो आपको सिर्फ एक बार बताना है ना, बाकी तो फिर अरे वो डिजाइन निकालना बहुत टाइम जाता है, वो बहुत लगता है इजी, लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत हार्ड है वो, तो रुको कुछ ढूंढता हूं, हां रुको रुको कुछ नया चैप्टर है तो जो छोटा हो, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए फोल्डिंग, रुको समझ में भी तो आना चाहिए, पर इसको बताओ रख कर दूं क्या, 10 मिनट ही बचे हैं, 9 मिनट ही बचे हैं, 8 बचे हैं, 8 मिनट में क्या समझाऊंगा मैं आपको नया चैप्टर, क्या ले लो समरी ले लो क्या, तो
इनको मैं क्या लू, यही ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन कर लो, लास्ट ले लो, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे घाई घाई में सिखाना अच्छा लगता है, आराम सिखाऊंगा तो अच्छा बेटर है, अच्छा नहीं लगता। चलो सॉल्व करते हैं, क्या दूसरा ले लोगे क्वेश्चन, लो क्या इसके ऊपर, क्योंकि 8 मिनट ही बचे, 7 मिनट ही बचे, शुरू करूंगा 5 मिनट हो जाएगा, दो लोग डाउट पूछ लेंगे, खत्म हो गए। इसके लिए ये ले लेता हूँ, मेरे को ड्रॉप करने में चला जाएगा 2 मिनट, ये ले लो, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाकी का क्वेश्चन कवर कर लेंगे। गाएगा मैं पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, समझेगा भी नहीं, और बहुत लोग बोलेंगे प्रॉपर समझा नहीं। क्या बोल रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ, इसके लिए तो नहीं ले रहा हूँ ना, मैं सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है ना, किसी को टाइम लगता है समझने में। यह मैट्रिक्स नंबर 1, ले लो क्वेश्चन नंबर 1, रोड ऑप्शन दे रहा हूँ, 04, 20, 55, 78, ऑप्शन नंबर 2, 23, 32, 98, 99, ऑप्शन नंबर 3, 42, 32, 79, 58, ऑप्शन नंबर 4, 11, 13, 67, 69, ऑप्शन 1 आएगा सर, ऑप्शन नंबर 1, फोर्थ 1, लास्ट लास्ट कौन सा लास्ट, चौथा लास्ट है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। ओके ओके, देख के समझ में आ रहा है क्या, 4 राइट है, 4 है। ओके, 9 का 9 क्या है, 9 का 9 आ गया टी, नहीं है 5 का 8, 5 का 8 आई आ गया, 4 वाला राइट क्या था, इसका कुछ भी नहीं था, फोर्थ राइट आ रहा है सबका, यस सर फोर्थ राइट, समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है, हाँ सर, हाँ, डी बोला है कॉलम और रो, 7 कॉलम 8 रो, 7 कॉलम 8 रो पी दी है, बट हमें चाहिए था डी, ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, आगे सॉल्व करना ही नहीं है, पीछे से सॉल्व करना है, 9 9 दिया है, 9 का 9 टी दिया है, हमें चाहिए था डी, ये भी रॉन्ग हो गया, 5 का 8 है, 5 इधर दिया, 8 यहाँ पे दिया, आई दिया है बट चाहिए था डी, ये भी रॉन्ग हुआ, ये हो गया राइट ऑटोमेटिकली। चलो रफ कर दो, यस हां सर, एक मार्क के लिए आता है ये, और एक क्वेश्चन लेता हूं, इसके ऊपर ही सॉल्व करो, वन जीरो टू, वन थ्री, थ्री फोर, फाइव सिक्स, 21, 00, 03, 88, 33, 20, 11, or 79, 40, 44, 22, 89. First one. First correct. First. 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 First.
चलो देखो यहाँ पे फाइव और सिक्स दिया है कॉलम देन रो फाइव कॉलम सिक्स रो में चेक करो फाइव कॉलम सिक्स रो में टी है हमें टी चाहिए था टी मिला मिला कि नहीं मिला मुझे बताओ स्टूडेंट मिला यस सर ये हो सकता है ऑप्शन में एट का एट यहाँ पे एट है यहाँ पे एट देखो डी है बट हमें क्या चाहिए था टी तो ये हो जाएगा रॉन्ग सेवन का नाइन देखो सेवन कॉलम नाइन रो में ए है बट हमें चाहिए क्या था टी ये हो गया रॉन्ग एट का देखो एट कॉलम है नाइन रो है एट कॉलम में नाइन वाले रो में देखो आई दिया है हमें चाहिए क्या था टी ये हो गया रॉन्ग फर्स्ट रोल हो गया राइट समझा सबको यस ओके ये बताओ मुझे अभी आपके आने वाले चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है अभी मुझे बता दो फटाफट एजम्पशन वो वाला चलेगा स्टेटमेंट कंक्लूजन एजम्पशन ले लो साथ में हाँ वो ले लो स्टेटमेंट वो बैंकिंग को भी है ना हाँ बैंकिंग को भी है स्टेटमेंट कंक्लूजन तो साथ में ही ले लो फिर साथ में ले लो स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे ठीक है चलेगा स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन नेक्स्ट लेक्चर ले लेते हैं और क्या बच्चा आप लोगों का बताओ जरा वो काउंटिंग द फिगर्स में आप ट्रिक बता सकोगे शायद काउंटिंग द फिगर्स में फिगर काउंटिंग क्लॉक और कैलेंडर बाकी है दो बाकी है और पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग चार बाकी है एम्बेड फिगर और फॉर्मेशन ऑफ फिगर और मिसिंग फिगर ये बाकी है आपका मिसिंग फिगर तो चलो इजी है मैं समझा दूंगा पेपर कटिंग एम्बेड फिगर भी इजी है पेपर कटिंग भी इजी है पेपर फोल्डिंग भी इजी है काउंटिंग द फिगर के मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत डीप है ठीक है बाकी सब ऑलमोस्ट समझ लो सब हो गया आपका स्टेटमेंट अजम्पशन और कंक्लूजन नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा ठीक है ओके सर रख कर दो इसको हाँ चलो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और ये बताओ आज जो लिया था क्वेश्चन प्रॉपर है कि नहीं क्लियर था कि नहीं समझ में आया कि नहीं समझा और वो वाला प्रिंटिंग मिस्टेक है सुनीता मैम आपको बहुत आवाज दिया आप गायब हो गए थे सर मेरा नेटवर्क इशू था बहुत ज्यादा हाँ वो वाला प्रिंटिंग मिस्टेक आपने क्वेश्चन भेजा था प्लीज चेक करो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है कि नहीं वो मैंने बस लास्ट में बोला ना कि रॉन्ग है डी आंसर वाला हाँ कनेक्शन आया तब चलेगा चलो मैम थैंक यू सो मच क्लास अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच